रविंद्र जी से बात करें अगर एमसीएक्स कॉटन की, तो एमसीएक्स कॉटन में जैसा आपने बताया कि ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनी है, हमने वैसा होता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है प्रॉफिट बुकिंग कब कहां तक नीचे में जा सकती है? देखिए, ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कॉटन के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अभी भी, लेकिन प्राइसेस जो थे ये काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में चले गए थे और यहाँ से हायर लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी कंटिन्यूएशन में 36,700 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है और कल इसने 36,700 के आसपास का लो लगाया भी था प्रीवियस सेशन में फ्राइडे के राउंड, और चांसेस यही है कि अगर यहाँ से रिबाउंड करती है कमोडिटी तो फर्दर हायर साइड मूव करेगी, लेकिन अगर 36,700 को ब्रेक करती है तो डाउन साइड में 36,000 तक स्किप कर सकती है। जी, तो रविंद्र जी जैसे अगर कॉटन नीचे में डाउन साइड 36,000 तक जाती है तो क्या वहां से फिर से अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे जैसे हमने अभी अपसाइड में बनते हुए देखे थे? देखिए, वहां से टेक्निकल बाउंस बैक जरूर बन सकता है और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा उन लेवल से भी, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हायर साइड मूव कर चुके हैं। डाउन साइड से हमने लास्ट ईयर में देखा कि प्राइसेस जो थे ये 22,000 से लगभग 38,000 के आसपास हाई लग चुके हैं जी, और यहाँ से एक अच्छी करेक्शन जो है वो 34,000 तक की अगर करेक्शन आती है तो वहां से आप एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग शॉर्ट करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद में प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव करेगी जी।